अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। अच्छा जी, आज फिर नई एक वीडियो के साथ। ये जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ये पेड़ अंडों पे आया हुआ है, अभी तक इसने नहीं दिए अंडे। इधर बैठा हुआ था अभी ये, देखा इसने इधर कितनी ज़्यादा नेस्टिंग कर दी। ये इधर है, इनके दानों वाली है, पर इन्होंने इधर नेस्टिंग की हुई है ज़्यादा। देखते हैं ये कब देगा। मेरे को लगता है ये वीक में शायद दे ही दे। ये देखें, मादी भी अभी इधर आके बैठ रही है, तो मुझे लग रहा है शायद ये आजकल में इधर ही अंडा देगी। चलें, इसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते ये पेड़ को। और ये वाले पेड़ की जी अपडेट है जी, इसका जो अंडा था एक जो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, वो अनफर्टाइल निकला। तो इस पेड़ को अभी मैंने थोड़ा रेस्ट देने के लिए इसके अंदर से वो छन्नी निकाल के ये मैंने ऊपर रख दी इनके, ताकि एक वीक थोड़ा रेस्ट कर लें, बाद में फिर इसके अंदर लगाएंगे। और ये अभी तक नहीं गया मैं चेंज कराने, रमज़ान है, टाइम ही नहीं लग रहा, पर इंशाल्लाह ताला थोड़े दिन तक जाके मैं चेंज करवा के लेके आऊँगा ये पेड़ को, कनेरी के पेड़ को। या तो फिंच लेके आऊँगा या फिर जावा का पेड़। तो देखते हैं जी क्या उधर अवेलेबल होता है, फिर मैं लेके आऊँगा उसको। और दाना वगैरह इनको अभी नहीं डाला मैंने, डाला हुआ पर चेंज नहीं किया अभी तक, साफ़ नहीं किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा करते थे ना। और इनकी अभी सफाई भी करने वाली है थोड़ा। ये इसका भी ऐसे ही है जी, इसकी भी सफाई करने वाली अभी। तो देखें ये पेड़ अभी किधर अंडे देगा, वो देख रहे ये पेड़, ये रहा जी ये पेड़, ये कोने में बैठा हुआ है दोनों। इधर फीमेल है, वो उधर मेल है। ये देखो ये मेल आया अभी इधर, ये मैं थोड़ा पीछे हटूंगा, ये इसने इधर बैठ जाना है, क्यों ये पहले भी इधर ही बैठा हुआ था जब मैं वीडियो बनाने वाला था ना, तो इधर ही बैठा हुआ था ये मेल भी। ये देखा, ये फीमेल भी आ गई अभी वापस। तो लग रहा है इस दफ़ा शायद ये इसके अंदर ही देंगे, इसके अंदर ही देंगे ना ये अंडे, क्योंकि ये पहले भी इधर ही बैठा हुआ था, इन्होंने नेस्टिंग भी इधर थोड़ी की हुई है, तो लग रहा है शायद इधर ही देंगे। तो ये पेड़ है जी, ये पेड़ अभी रेस्ट में। ये देखें जी, मैं थोड़ा सा इधर साइड पे हूँ, ये फीमेल आके इधर अंदर बैठ रही है, तो इस दफ़ा शायद ये इधर ही देगी अंडा। चलें देखते हैं, अगर इधर ही देगी फिर दाने हटा के थोड़ी सी और नेस्टिंग कर दूंगा मैं। तो ये पेड़ जी अभी रेस्ट में, छुट्टियाँ करे एक हफ़्ता, फिर इसके अंदर छन्नी इसकी दोबारा वापस लगा दूंगा। वो देखें, वो मैंने ऊपर रखी हुई है, ये ऊपर लाइट है जी। कभी कभी थोड़ा रूम ज़्यादा ठंडा हो जाए तो फिर मैं ये चला देता हूँ, 100 वाट का है। फिर मैं कभी कभी इन डब को चला के दे देता हूँ, ताकि फिर उनको गर्मी वगैरह मिल जाए ना। और ये रही जी कनेरी, कनेरी जी चावल बड़े शौक से खाती है, मैंने इसे कल भी डाले थे, बड़े शौक से खाती है, दाने से ज़्यादा शौक से खाती है चावलों को। और ये इसका पसंदीदा है वो फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स सीड बहुत शौक से खाती, कल मैंने इधर बहुत डाले थे, अभी ये देखें खा के इधर इसने ये छिलके वगैरह फेंके हुए हैं। फ्लैक्स सीड बहुत शौक से खाती है, और डालूंगा दोबारा इसको। और ये जी ये पेड़ ना, ये देखें जी माशाल्लाह पेड़ दोनों घूम रहे हैं, मौज मस्तियाँ कर रहे हैं। ये लें जी, ये डब के पेड़ को क्या हुआ, बहुत अभी उछल कूद कर रहा। चलें जी दोस्तों, ठीक है जी, फिर मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।